तो आपने अपनी फैमिली में या अपने बड़ों से ये तो ज़रूर सुना होगा कि हमें खाना खाते समय बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो चलिए आज इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं यानी कि जब खाने को चबाते हैं तो जो लार मिक्स्ड फूड होता है तो उसे ग्लॉटिस से होते हुए फूड पाइप में जाना होता है यानी कि इसोफेगस में जाना होता है। लेकिन ग्लॉटिस के ऊपर एक पार्ट और होता है एपिग्लॉटिस, और एपिग्लॉटिस जो होता है वो वाइन पाइप यानी कि सांस की नली से कनेक्टेड होता है। और जब हम लोग खाना खाते हैं तो एक एसेंथेटिक एक्शन के थ्रू वो जो एपिग्लॉटिस होता है वो ग्लॉटिस के ऊपर से हट जाता है, यानी कि जो हमारा फूड होता है वो आराम से इसोफेगस यानी कि खाने की नली में चला जाता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं तो कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती हैं कि हमारा जो एपिग्लॉटिस है वो ग्लॉटिस के ऊपर से नहीं हट पाता है। ये चीज़ हमेशा नहीं होती है, लेकिन जब कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस के ऊपर से नहीं हटता है, और ऐसे में अगर एपिग्लॉटिस जो है वो ग्लॉटिस के ऊपर से नहीं हट रहा है तो ऐसे में हमारे जो फूड मटेरियल होता है उसके कुछ पार्टिकल्स या उसका कुछ पार्ट जो होता है वो फाइन पाइप में चला जाता है एपिग्लॉटिस से होते हुए। तो ऐसे में हमें खांसी होने लगती है, और अगर ज़्यादा पार्ट फूड का एपिग्लॉटिस से होते हुए वाइन पाइप यानी कि सांस की नली में चला जाता है तो हमारा दम भी घुट सकता है। तो इसीलिए आज से हमें खाना खाते समय ज़्यादा बातें नहीं करनी हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।